वेलकम बैक टू यू थ्रीज ई लर्निंग प्रोग्राम। अब हम निकालेंगे 5.3 एक्सरसाइज का चौथा सवाल और वो है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपीज 9, 17, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 6, 3, 6 की एक एपी है जो है 9, 17, 25 किस तरीके से चली हुई है, उसका योग 636 है। तो पूछा कि कितने पदों को लेना होगा हमें 636 पदों के लिए, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है n। हमारा है पहला पद कितना है 9 और d हमारा कितना है 82 - a1 17 - 9 तो हमारा d आ गया 8। अब हम चलते हैं s पर, s है हमारा 636। s का फॉर्मूला क्या होता है n by 2, 2a + n - 1 d बराबर 636। n हमें नहीं पता, 2 × a है हमारे पास 9, n - 1 d है हमारे पास 8 और बराबर हो गए 636। ये यहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो होगा हमारा n, ये हो गए 9 × 2 = 18 प्लस अगर इसको खोलेंगे तो ये हमारा 8 है - 8 आया और ये 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 12 और 3 × 6 = 7 और 6 × 12 = 1272। अब इसको खोलेंगे n यहाँ अंदर आया, 18 में से 8 गए तो 10 + 8n बराबर 1272। ब्रैकेट खोलो तो हमारा आ गया 10n + 8n² बराबर 1272। इन 1272 को इस साइड ले आएंगे तो हमारी सीरीज बन गई 8n² + 10n - 1272 बराबर 0। अब इस सीरीज को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, यहां लिख देती हूं मैं समीकरण को 2 से भाग करने पर, समीकरण को 2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो थोड़ी छोटी हो जाएगी 4n² + 5n - 636 = 0। अब जैसा कि हम करते हैं हम 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6 × 24 = 4 और 4 × 3 = 12 और 13 × 14 = 4 6 × 24 = 25 2544। अब 2544 के फैक्टर ऐसे 2 बनाने हैं जिसका प्लस माइनस में 5 है तो पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 से आए तो 1272 फिर 2 से किया तो 636 फिर 2 से किया तो 2 × 6 = 2 और 2 × 8 = 16 फिर 2 से किया 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 10 × 2 = 18 ठीक है। अब हम करेंगे इसको 3, 3 × 5 = 15, 3 × 9 यहाँ पे 53 है, थोड़ी देर रुक जाओ। 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24 और 24 × 48 यानी 53 में से अगर हम 48 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास 2 फैक्टर हो गए 53 और 48। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे 4n² + 5 तो हम बड़ी संख्या लेंगे प्लस की, प्लस के 53n - 48n और माइनस के 636 बराबर 0, ठीक है। हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, 53 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे होगा n, ये हो गया 4n + 53 माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 कब आएगा जब हम इन दोनों से 12 कॉमन लेंगे। अब 12 से देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर 4n + 53 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये संख्या दोनों में है तो ये कॉमन हो गई 4n + 53 और ये हो गया n - 12 = 0।
इन दोनों की वैल्यू हम जीरो के बराबर रख लेंगे। 4n + 53 = 0, 4n - -53 और n की वैल्यू आ गई -53/4। इस साइड क्या होगा, n - 12 = 0, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ठीक है, तो n से फाइंड आउट करवा रखा था, n की वैल्यू 12 रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू ना ही तो परिमेय संख्या हो सकती है, ना ही एक रैशनल नंबर हो सकती है और ना ही एक माइनस की संख्या हो सकती है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है ना, इसलिए हम n की वैल्यू रखेंगे 12। अब हमारा पांचवा सवाल है कि किसी एमपी का पहला पद 5 है, उसका लास्ट पद 45 है, उसके पदों का योग 400 है, तो बताओ इसमें कितने पद है और उनका सार अंतर क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही लेंगे, एस की वैल्यू कितनी है 400 और एस का फॉर्मूला होता है एन बटे दो। अब हम इसमें ए और ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ए हमें पता है एल हमें पता है, यहाँ करेंगे ए प्लस एल बराबर 400, एन बाय टू, ए है हमारा 5 और एल है हमारा 45 बराबर 400। ठीक है, एन बाय टू ये हो गया 50 बराबर 400, ये आ गया हमारा 25, यानी 25 एन बराबर 400 और एन की वैल्यू आ गई 400/25, 25 एकम 25 और 25 छिके 150, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। बट अभी हमें क्या निकालना है, डी, तो हम रखेंगे एल, एल होता है 45, एल का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 45, ए है हमारा 5 प्लस एन है हमारा 16 माइनस ए और डी हमें फाइंड आउट करना है, तो हो गया 45, ये 5 प्लस के हम साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 15 डी बराबर 45 माइनस 5, तो 15 डी बराबर 40 और डी की वैल्यू हमारी आ गई 40/15। अभी इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 किया 15, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3। अब हमारा है छठा, किसी एपी का पहला पद 17 है, उसका लास्ट पद 350 है, उसका सार अंतर 9 है, तो हमें उसका एन और एस से निकालना है। तो पहले हम देखेंगे एल, एल को ए एन बोलते हैं, ए एन बराबर 350, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 350, ए है हमारा 17 प्लस एन माइनस वन डी है हमारा 9 बराबर 350, ये 17 है प्लस के उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, एन माइनस वन 9 बराबर 350 माइनस 17, एन माइनस वन 9 और 17 गए तो 333, ठीक है, और एन माइनस वन और ये हो जाएगा 333, यहाँ 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके डिवाइड, तो 9 दिया 27 और 6 और 9 63, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 37+1, एन है हमारा 38। अब दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है, एस एन, एस एन क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन, अब एन की वैल्यू हमारी आई है 38/2, पहला पद है हमारा 17 और लास्ट पद है हमारा 350, तो ये आ गया 19, ठीक है, यहाँ पे आएगा 19 × 7 = 6, ठीक है, अब इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 × 7 = 133, 133 का हो गया 3 और हमारा हो गया 13, 19 × 114, 114 + 13 = 127, 27 + 7 और हमारा आ गया 12, 19 × 57, 57 + 2 = 59, 69 ये हमारा आ गया 6973। अब हमारा है सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि किसी एपी के सार अंतर 7 है, उसका 22वां पद 149 है, तो उसके 22 पदों का योग निकालो,
ठीक है, तो हम करेंगे पहले 22 पदों से, उसका 22 पद कितना है 149, तो ये होगा हमारा a प्लस 21 d बराबर 149, a प्लस 21 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 7 बराबर 149, ए प्लस 7 और 7 दूनी 14 147 बराबर 149, ए की वैल्यू हमारी आ गई 149 माइनस 147, ए हमारे पास आ गया 2। अब कह रहा है कि उसके 22 पदों का योग निकालो, तो एस 22 एन बाय 2 ए प्लस एन, ये है एन की वैल्यू है 22 बटे 2, पहला पद है 2 और लास्ट पद है हमारा 149, ठीक है, ये हमारा आ गया 11, तो यहाँ पे आ गया 11 × 151, 11 × 55 और 1 × 56 5, 11 × 11 और 5 16, यानी उसके 22 पदों का योग